नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे एक इंडेक्स पर चर्चा करने जा रहा हूँ, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक भी कह सकते हो, या इसको आप सिंपल शब्दों में कहो तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी कह सकते हो। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो भारत का स्थान रहेगा। 117 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये जारी कब हुआ। ये जो जारी हुआ है अक्टूबर 2017 में, और इसको जारी करने वाली जो संस्था है, एक तो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड की संस्था है, और दूसरी है वेल्ट हंगर हिल्फ, ये जर्मनी की संस्था है। इन दोनों ने मिलकर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया है, और इसमें जो कुल देश जो शामिल है ये हैं 117 देश, और इसमें जो शीर्ष देश आए हैं, जो टॉप कंट्रीज हैं, ये हैं 17 कंट्री, और इन 17 कंट्री को संयुक्त रूप से मिला है, कंबाइनली संयुक्त रूप से मिला है। मतलब यहाँ जो भूखमरी है वो कम है। ये कौन कौन से देश हैं, सारों का नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उरुग्वे है, तुर्की है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, ऐसे टोटल 17 देशों को ये मिला है। और जो सबसे नीचे का है, निम्न स्तर जो है, लो कैटेगरी का जो है, सबसे नीचे आप कह सकते हो कि 117वां स्थान जो मिला है, ये मिला है मध्य अफ्रीकी गणराज्य को। मध्य अफ्रीकी गणराज्य को मिला है। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत का स्थान कौन सा है, ये मेन है। भारत का स्थान जो है इसमें 102वां है, 102वां है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 2019 में तो ये है, 2018 में भारत का कौन सा स्थान था, 103वां। पिछले साल की रैंकिंग में 103वां था और अब 102वां है। ये दोनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और मज़ेदार आपको बात बताएं तो जो पाकिस्तान है, इसको 94वां स्थान मिला है। अब देखिए, पाकिस्तान में भारत की तुलना में कम भूखमरी है। अब देखिए, और देखिए 102वां स्थान भारत का है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बाद में अब मैं एक छोटा सा एक टॉपिक बताना चाहूँगा, दिवस से संबंधित है, और ये दिवस है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। ये मनाया जाता है 11 नवंबर को।
ये जो 11 नवंबर मनाया जाता है, आप कह सकते हो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन की स्मृति में ग्यारह नवंबर 2008 को पहली बार मनाया गया। तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। शिक्षा से संबंधित यदि अन्य हम बात करें तो आप सभी जानते हो कि जो शिक्षक दिवस है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन की स्मृति में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। इसी तरीके से एक दिवस और होता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन की स्मृति में 15 अक्टूबर 2015 को पहली बार मनाया गया था। तो ये कुछ शिक्षा से संबंधित दिवस हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दिवस और है जो 14 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। आप जानते हो ये जो डायबिटीज है, हमारे शरीर में एक ग्लैंड्स पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि। उस अग्नाशय ग्रंथि में बीटा सेल्स पाई जाती है, उस बीटा सेल्स में इंसुलिन हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में डायबिटीज हो जाती है। आप कह सकते हो कि ये जो मधुमेह है ये इंसुलिन की कमी से, ये जो मधुमेह इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस कहते हैं इसको, मधुमेह। यहां यदि मैं थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में बात करूं तो आप कह सकते हो कि अग्नाशय ग्रंथि, पेंक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन है ये, निकलने वाला हार्मोन है ये, बीटा सेल से निकलता है। ये आपके एग्जामिनर ने कई बार इसको पूछा भी है। यदि मैं इसके खोज की बात करूं, ये भी आया हुआ है, तो एफ बेटिंग और बेस्ट दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। और नेक्स्ट यदि हम इसमें बात करें कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसके अंदर जिंक धातु पाई जाती है। क्लियर? तो ये विश्व मधुमेह दिवस से संबंधित एक छोटी सी अपनों ने चर्चा की, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के साथ साथ कुछ दिवस जो नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको जानने का हमने प्रयास किया, जिसके तहत अपनों ने विश्व मधुमेह दिवस और शिक्षा दिवस को देखते हुए उसको अपनों ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, शिक्षक दिवस और वर्ल्ड स्टूडेंट डे के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 102वां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप इसको राइट डाउन कर लें और कंफ्यूजिंग ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स अभी आने वाली है। अभी जो लास्ट में नवंबर दिसंबर होता है, इसमें काफ़ी इंडेक्स आएंगे, तो उसको हमने जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे हम उसको जानते जाएंगे। आप फिलहाल अपने नोट्सों को सुचारू रूप से इसी तरीके से बनाते जाएं। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस सीरीज को, मेरे इस वीडियो को पूरे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। नमस्कार।